लालू यादव के चलते आतिशी सरकार में केवल पांच एम एल बने मंत्री दिलचस्प है पॉलिटिकल किस्सा नमस्कार मैं संयुक्त और आप देख रहे हैं खबर दस्तक राजधानी दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने नई पार्टी की शपथ ली है आतिशी की सरकार में केवल पांच विधायकों को मंत्री बनाने का मौका मिला दिलचस्प बात यह है कि आतिशी की सरकार में कई विधायक शामिल होने की उम्मीदें लगाए बैठे थे लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वजह से ऐसा नहीं हो सका आइए जानते हैं ये दिलचस्प किस्सा आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने शनिवार शाम को दिल्ली की आठवीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है यहाँ राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल के सक्सेना के आतिशी को शपथ दिलाई आतिशी के साथ पांच मंत्रियों सौरभ भारद्वाज गोपाल राय कैलाश गहलोत इमरान हुसैन और मुकेश अहवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई सत्तर विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बासठ विधायक है ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने और आतिशी मार लेना के नेतृत्व में बनी नई सरकार से पार्टी के अंदर ही कई विधायकों को उम्मीद थी मीडिया में भी कई विधायकों के मंत्री बनाए जाने की चर्चा होने लगी थी लेकिन आखिरकार जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तब केवल आम आदमी पार्टी के छह सदस्यों को ही मौका मिला जिसमें खुद एक आतिशी मारलेना भी शामिल है आतिशी मारलेना के केवल पांच मंत्री बनने के पीछे लालू एंगल क्या है हेडिंग पढ़कर आप असमंजस में पड़ गए होंगे कि आखिर आतिशी मारलेना की कैबिनेट से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव का क्या कनेक्शन है आतिशी मारलेना की पार्टी आपको दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत है वहीं आरजेडी के दिल्ली में कोई विधायक भी नहीं है तो भला इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है जी हाँ आतिशी मार लेना कि कैबिनेट में केवल पांच सदस्य होने के पीछे लालू यादव का खास कनेक्शन है इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल किस्से के फ्लैशबैक में जाना होगा दरअसल ये साल 1990 के आखिरी और 2000 के शुरुआत की की दौर की है, जब देश और राज्य में गठबंधन की सरकारें चल रही थी ऐसे में जो भी पार्टी सत्ता में होती वो किसी भी सूरत में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार कर लिया करते थे कैबिनेट में सदस्यों को रखने की छूट का फ़ायदा वैसे तो मुलायम सिंह यादव 98 मंत्री मायावती 87 मंत्री कल्याण सिंह 93 मंत्री राम प्रकाश गुप्ता 91 मंत्री ज्योति बसु राजनाथ सिंह 86 मंत्री सुशील कुमार 69 मंत्री सर के नेताओं ने खूब उठाया लेकिन ये चर्चा का विषय तब बनी जब लालू प्रसाद यादव ने दो मौकों पर कैबिनेट विस्तार की छूट की छूट धड़ल्ले से उड़ाई लालू यादव ने मौके पर बनाई जम्बो कैबिनेट पहली बार 24 जुलाई उन्नीस को जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाने से पहले पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया राबड़ी देवी की सरकार के लिए बहुमत का नंबर जुटाने के लिए लालू यादव ने सरकार बनाने से पहले जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाई साथ ही राबड़ी देवी की सरकार को सपोर्ट करने के एवज में सत्तर से ज्यादा विधायकों को मंत्री बना दिया लालू ने इस छूट का दूसरी बार साल 2000 में इस्तेमाल किया विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 124 विधायक जीत कर आए इस वजह से चंद दिनों के लिए नीतीश सरकार की अगुवाई में बिहार की सरकार बनी उनके पहले ही बहुमत परीक्षण में फेल होने के बाद राबड़ी देवी की अगुवाई में फिर से सरकार बनी राबड़ी देवी की इस सरकार को कांग्रेस निर्दलीय झामुमो और वाम दलों का सपोर्ट मिला सरकार गठन के दौरान देवी ने सत्तर मंत्री बनाए लेकिन साल 2023 आते आते बिहार में मंत्रिमंडल का आकार बयासी तक पहुंच गया आलम यह था कि चुनाव में आरजेडी के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस के तीस में से 29 विधायक मंत्री बन गए थे यानी तब झारखंड के अलग होने के बाद 243 विधायकों वाली विधानसभा के करीब 34 फीसदी विधायक राबड़ी कैबिनेट का हिस्सा थे आलम ये हो गया था कि मंत्रियों को बांटने के लिए मंत्रालय तक कम पड़ गए थे उस दौर में ये बात मीडिया की खूब सुर्खियां बनी दरअसल उस दौर में लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रसिद्धि सातवें आसमान पर थी जिसके चलते उनकी ओर से किया गया कोई भी अच्छा या बुरा राजनीतिक फैसला मीडिया के बन जाया करती थी। वही उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्र में 24 पार्टियों को साथ लेकर गठबंधन की सरकार चला रहे थे इस वजह से उन्हें सपोर्ट करने वाले सभी दलों ने नेता मंत्री ले रहे थे थे इस वजह से वाजपेयी की कैबिनेट में 80 सदस्य हो गए गठबंधन की सरकारों के दौर में केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों में मंत्री पद की बंदर बाट चल रही थी तभी साल 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान का इक्यानवा संशोधन किया 2023 के अनुच्छेद एक में खंड एक ए जोड़ा गया विधानसभा के इक्यानवे संशोधन के बाद केंद्र या राज्यों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल सांसदों या विधायकों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं यही वजह है कि सत्तर विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में बासठ विधायक होने के बावजूद आतिशी मार लेना अपने मंत्रिमंडल में खुद के साथ केवल पांच और सदस्यों को रख पाई इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल खबरदस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है नमस्कार